अलैकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होपफुली कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन जिंजर, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। और चिकन जिंजर बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो हैं अनियन, लहसुन, अदरक, उसके बाद चिकन, क्रीम, दही, और उसके बाद ब्लैक पेपर, टमाटो, ज़ीरा पाउडर, और उसके अलावा नमक, मिर्च, बेसिक मसाला जो होते हैं वो। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने प्याज की जो है वो प्यूरी बना लेनी है, प्याज और लहसुन और अदरक की। तो यहाँ पर जो मैं प्यूरी बना रही हूँ वो मैं हैंड ब्लेंडर से बना रही हूँ, और आप यकीन करें कि हैंड ब्लेंडर इतना मज़ा आता है इसके साथ कुछ भी प्यूरी बनाने का या उसको ब्लेंड करने का। आप यकीन करें कि इसने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है, बहुत ही ज़्यादा। वो जूसर के रबर के झंझट, कभी वो लीक हो जाना और कभी उसको जग को सेट करो, तो वो एक अजीब से टेंशन में ही रहता है इंसान। लेकिन इस हैंड ब्लेंडर ने हमारी ज़िंदगी को आधी मुश्किलों को जो है ना आसान कर दिया है। जो भी ब्लेंड करना है, कोई शेक बनाना है, प्यूरी बनानी है, जल्दी से फौरन जो है ये ब्लेंड करो और काम ख़त्म। लें जी, अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उस पर मैंने ऑयल ऐड किया। उसके बाद मैं चिकन को उस ऑयल के साथ मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चिकन का कलर चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने उसको चिकन को ऑयल के साथ मिक्स किया है। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर ये जो मैंने प्यूरी बनाई है प्याज और लहसुन के, इसके जो मिक्सचर को मैं चिकन के साथ ऐड कर दूँगी, और फिर इसे मैं अच्छी तरह से जो है मिक्स करूँगी। आप यकीन करेंगे ये सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इतने मज़े की बनती है कि हमें रेस्टोरेंट के जो जिंजर कढ़ाई है ना वो याद आ जाती है कि सेम वही टेस्ट है इसका। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं तो ये बहुत ही मज़े की और सिंपल रेसिपी है। इस पर ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ता और जल्दी से जो है हमारी हंडिया जो है वो रेडी हो जाती है। यहाँ पर मैंने इसमें वो पेस्ट ऐड कर लिया है, और अब इस पेस्ट को मैं अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैं चिकन को मिक्स कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को चिकन कैसा लगता है। कई लोग होते हैं उनको चिकन नहीं पसंद होता, लेकिन यार मैं कहती हूँ पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको चिकन नहीं पसंद होता। हमें तो कुछ ना मिल रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो ना कि आज हमने क्या कुकिंग करनी है, तो आराम से चिकन को पकड़ो और उसकी कोई ना कोई डिश बना लो। कि मतलब हमारे पास ये चिकन का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पर अब मैंने इसमें बेसिक जो है ना इंग्रेडिएंट्स वो भी ऐड कर दिए हैं। टोमेटो, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा को, साबुत ज़ीरा को ना मैंने हाथ से बस थोड़ा सा क्रश करके, तो इसको साफ़ करके इसमें डाल दिया है। और फिर साथ ही हम लोगों ने इसमें मिर्च और हल्दी को ऐड कर दिया है। सॉल्ट अभी यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्ट जो है वो लास्ट पर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लेके वो इसमें डाला है, और यहाँ पर उसके बाद हम अपने चिकन को एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। उससे ये होगा कि हमारे जो प्याज का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी पक जाएंगे, हमारे प्याज अच्छी तरह से पक जाएंगे और चिकन भी जो है वो गल जाएगा। अब दूसरी तरफ मैं जो हूँ क्रीम और दही को मैं मिक्स करके उनको ब्लेंड कर रही हूँ कि उन दोनों को ब्लेंड कर लें। अगर आप तो देखें कि जब हम लोगों ने दही ऐड करते हैं ना जब भी हम लोग किसी सालन में दही को ऐड करते हैं ना ब्लेंड करके, तो उसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत स्मूथ सी बनती है। लेकिन अगर हम दही को बगैर बीट किए ऐड करें तो वो उसकी प्यूरी अच्छी नहीं बनती। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने दही को और क्रीम को इकट्ठा ब्लेंड कर लिया था। और तब तक ये देखें जी, मेरे चिकन में जो पानी था वो थोड़ा खुश्क हो गया है, और यहाँ पर मैं उसे अच्छी तरह से भून रही हूँ, मतलब उसे पका रही हूँ। बड़ा ही मज़े का जूसी सा ये चिकन बनता है। और यहाँ पर ये देखें, जो टोमेटोस थे जो थोड़े थोड़े मुझे लग रहे थे कि अभी पीसीज हैं, उनको जो है वो मैं अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से ही जो है ना मैंने स्पून की मदद से ही उसको वो कर लिया, क्रश कर लिया, क्योंकि अब ये गल तो चुके थे। तो बस मैं उनको साथ साथ से जो है वो चोप कर रही थी उसके बीच में। और आप लोगों ने आज क्या खाने में बनाया है? जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो दिल कर रहा है कि बंदा अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाए, और क्योंकि देखिए आजकल मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और हर कोई नज़ला, ज़ुकाम और फीवर की तरफ जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद ना मतलब दिल कर रहा है कि खाने में कुछ चेंज हो, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज क्यों ना मैं चिकन जिंजर बना लूँ, तो ज़रा मुँह का टेस्ट चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखें जी, चिकन का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। अब ये हमारा ये जो पेस्ट है ये अनियंस की ही पेस्ट है। अब ये देखें, यहाँ पर हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है।
तो इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे इस स्टेज पे आकर इस रेसिपी का मेन पार्ट आप कह लें या कुछ भी, घी, देसी घी यहाँ पर मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर देसी घी 2 स्पून जो है ना, मैंने देसी घी ऐड किया है और ये घर का खालिस देसी घी है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। ये इस रेसिपी की ना जान है। अगर आप इस स्टेज पे आके जब आपका पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर आप लोग 2 चम्मच देसी घी के डाल के इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है कि घी की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों ने योगर्ट और क्रीम की वो पेस्ट तैयार किया उसको आप लोगों ने ऐड कर देना है, और साथ ही आप लोगों ने इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट, अब सॉल्ट हम लोगों ने इस टाइम पे ऐड करना है और ब्लैक पेपर भी क्रीम डालने के बाद, और फिर देखें कि आपकी हंडिया का क्या टेस्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने इसे कवर कर दिया हल्की आँच पर, इसको हम लोगों ने पकाया, और फिर जब वो हमारी पेस्ट जो है वो मतलब थोड़ा ड्राई हो गया था योगर्ट का पानी, तो जी ये हमारी फ़ाइनल लुक थी आज के खाने की, और ये हमारा खाना रेडी है और हम लोगों ने खाया और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।